हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। आज हम आप सभी के लिए बजट फ्रेंडली 3 BHK एंड 2 BHK फ्लैट्स का एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेके आए हैं वाकड़ लोकेशन से। वैसे इस प्रोजेक्ट के 3 BHK फ्लैट्स कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 BHK फ्लैट्स की ही इन्वेंट्री अवेलेबल है, वो भी लिमिटेड ही इन्वेंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप 70-72 लाख के बजट में वाकड़ जैसी लोकेशन पे प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, साथ ही आप 700+ कारपेट का 2 BHK फ्लैट चाह रहे हैं, साथ ही आपको चाहिए कि प्राइम लोकेशन ऑफ वाकड़ हो, रिनोन डेवलपर्स हो, एंड साथ ही आपको पोजीशन की जो रिक्वायरमेंट है ये बिफोर December 2024 होनी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप डेफिनेटली चेकआउट करिए। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्हीं पैरामीटर्स के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा। आइए आपको क्विकली सैंपल फ्लैट का टूर करा देता हूँ। 2 BHK सैंपल फ्लैट यहाँ पे रेडी है। अगर आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें, आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करके साइट विजिट के लिए ज़रूर आए। चलिए अब सैंपल फ्लैट का टूर करते हैं। तो चलिए सैंपल फ्लैट का टूर करते हैं। 710 स्क्वायर फीट वाले 2 BHK फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपके जो मेन डोर्स का जो सेटअप है वो आपको कुछ इसी तरीके के एलिगेंट मेन डोर्स दिख जाते हैं, प्लस हर एक मेन डोर के साथ आपको 1 टच के डिजिटल लॉक का सेटअप आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। बेस्ट बात है जो आपको यहाँ पे डोर्स मिलते हैं ये राउंडेड एजेस वाले मिलते हैं, साथ ही रबर गैसकेट की पाइपिंग आपको डोर्स के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हर एक फ्लैट के साथ आपको डिसेंट साइज़ की एंट्रेंस लॉबी कुछ इस तरीके की मिलती है, जहाँ से आपके लिविंग डाइनिंग की प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाती है, एंड आप चाहें तो एक अच्छा सा शूरैक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या फिर डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको एक डिसेंट साइज़ की एंट्रेंस लॉबी हर एक फ्लैट के साथ देखने को मिलती है। आइए अब एंट्रेंस लॉबी से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको स्क्वेरिश शेप का लिविंग डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको प्रॉपरली स्क्वेरी शेप के यहाँ पे लिविंग डाइनिंग एरियाज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ अरेंजमेंट की, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में आप बड़े आराम से कुछ इस तरीके का एल शेप का आपका सोफ़ा यूनिट का अरेंजमेंट कर सकते हो, जहाँ पे प्रॉपरली 3+2+1 का सोफ़ा यूनिट भी आपका आ जाएगा। बीच में आप सेंटर टेबल कुछ इस तरीके से रख सकते हो, एंड जो आपका सोफ़ा यूनिट है इसके अपोजिट साइड पे ये जो पर्टिकुलर वॉल है यहाँ पे आप वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट का अरेंजमेंट कर सकते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको मल्टीपल स्विच बोर्ड्स दिए जाएंगे, एंड बेस्ट बात है लिविंग डाइनिंग से अटैच्ड कवर्ड एंड कंपलसरी बालकनी मिल जाती है आपको। आइए मैं क्विकली आपको बालकनी एरिया दिखा देता हूँ, आ जाइए। कुछ इस तरीके की आपको लंबी साइज़ की कवर्ड बालकनीज आपके लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ देखने को मिल जाती है। टफन ग्लास का रेलिंग का सेटअप आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी दिया जाता है ताकि आप बाहर की तरफ बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो या फिर आपका मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी दिया जाता है, एंड हाई राइज टावर है तो एक अच्छा व्यू एंड वेंटिलेशन एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आपको टफन ग्लास का रेलिंग का सेटअप भी मिल जाता है। एंड आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे लंबे साइज़ की आपको यहाँ पे जो है बालकनी एरिया आपके लिविंग एरिया के साथ मिल जाती है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करेंगे, आ जाइए। इस तरफ आपको किचन एरियाज मिल जाते हैं। किचन एरिया में जाते वक्त आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का 4 सीटर का डाइनिंग यूनिट अरेंज करने के लिए आपको स्पेस मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप आपका डाइनिंग एरिया यहाँ पे सेटअप कर पाओगे, आ जाइए। इस तरफ आपको किचन एरियाज मिल जाते हैं। आइए क्विकली किचन एरिया में अरेंजमेंट की बात आपको कर देता हूँ। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे आप रेफ्रिजरेटर यूनिट का इंस्टॉलेशन कर सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है। इस तरीके का आपको एक बड़ा सा सिंगल रनिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया जाता है। आप प्लेटफॉर्म का कलर भी देख लीजिए, इसी तरीके के ऑफ वाइट कलर के आपको प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे दिए जाएंगे, साथ ही उसके साथ मैचिंग आपको यहाँ पे टाइल्स का कॉम्बिनेशन इसी तरीके का मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ अरेंजमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्विच बोर्ड्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप मिक्सर, ओवन, ग्राइंडर यहाँ पे रख सकते हो। ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म आ गया, जहाँ पे आप चाहे तो चिमनी यूनिट का सेटअप कर सकते हो, एंड आपका जो कुकटॉप है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। आ जाइए, इस तरफ आपको सिंक पोर्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको 2 टैब दिए जाएंगे, एंड आप चाहें तो यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए भी आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है। एक अच्छे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको एक बड़ी सी विंडो मिल जाती है, जहाँ से आपके किचन एरिया में एक अच्छा सा लाइट वेंटिलेशन है, एयर वेंटिलेशन आता रहेगा। इस तरफ आपको वॉशिंग मशीन यूनिट रखने के लिए इनलेट, आउटलेट एंड एक अच्छी सी स्पेस मिल जाती है। तो आपका वॉशिंग मशीन यूनिट का सेटअप इस पर्टिकुलर कॉर्नर में प्रॉपरली आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आपके जो है किचन एरिया का सेटअप यहाँ पे कर पाते हो। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं, आ जाइए। डाइनिंग यूनिट से ही अटैच्ड आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। आप इस स्पेस में बड़े आराम से आपका मंदिर यूनिट, टेंपल यूनिट का अरेंजमेंट कर पाते हो। उस हिसाब से इस स्पेस का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए आपके इंटीरियर्स में वार्डरोब वगैरह का जो है सेटअप कर पाते हो। आ जाइए, डाइनिंग से ही अटैच्ड आपको यहाँ पे इस तरफ बाहर की तरफ बेसिन यूनिट का सेटअप मिल जाता है। तो डाइनिंग टेबल से उठ के आप यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह कर सकते हो, उस हिसाब से आपको बेसिन बाहर की तरफ मिलता है। एंड इस तरफ कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें वॉल माउंटेड आपको कमोड स्पेस मिलता है,
एंड यहाँ पे बेदिंग यूनिट के लिए अरेंजमेंट्स की हुई है। डिज़ाइनर टाइल्स कॉम्बिनेशन आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाती है। आइए अब इस तरफ फर्स्ट बेडरूम को चेक करेंगे। आ जाइए, ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ गया। डिसेंट साइज़ का है, 10x10.1 साइज़ का आपको किड्स बेडरूम यहाँ पे मिल जाता है। एक अच्छी सी डिसेंट सी विंडो आपको मिल जाती है, जहाँ से आपके किड्स बेडरूम में अच्छा सा एयर वेंटिलेशन एंड लाइट वेंटिलेशन मिल जाएगा। डिसेंट साइज़ का, स्टैंडर्ड साइज़ का आपको किड्स बेडरूम यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप आपके किड्स के लिए बड़े आराम से बेड, वार्डरोब एंड स्टडी टेबल का अरेंजमेंट कर पाओगे। आइए अब मास्टर बेडरूम को चेक करते हैं। काफ़ी स्पेशियस साइज़ का आपको मास्टर बेडरूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साइजिंग की बात करूँ तो 10x13.5 साइज़ का एक स्पेशियस मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगेन मास्टर बेडरूम में भी आप देखिए, काफ़ी डिसेंट साइज़ की आपको जो है विंडो स्पेस मिल जाती है, जहाँ से एक अच्छा वेंटिलेशन आपके मास्टर बेडरूम में भी मिल जाएगा। मास्टर बेडरूम का जितना साइज़ है, उसमें आप बड़े आराम से आपका क्वीन साइज़ का बेड, वॉल माउंटेड आपका टेलीविजन यूनिट, ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल एंड साथ ही वार्डरोब का स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो। उतनी इनफ स्पेस आपको मास्टर बेडरूम में यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाती है। आइए अब अटैच्ड मास्टर वॉशरूम को भी चेक करेंगे। मास्टर वॉशरूम में आपको प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन स्पेस कुछ इस तरीके से मिलता है, वॉल माउंटेड कमोड स्पेस एंड ये आपका डिज़ाइनर टाइल्स के कॉम्बिनेशन के साथ बेदिंग एरिया आपको कुछ इसी तरीके से मिलता है। नीचे एंटी स्किड टाइल्स मिलती है एंड जो डिज़ाइनर टाइल्स कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपको एज इट इज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आइए अब लिविंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके के आपको 710 स्क्वायर फीट कारपेट वाले 2 BHK फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल है। नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज काफ़ी लिमिटेड है, तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ मैच करती है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें एंड साइट विजिट के लिए आ जाइए। एंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 70-72 लाख के बीच में 2 BHK फ्लैट 700+ कारपेट का आप ढूंढ रहे हैं वाकड़ लोकेशन में, रिनोन डेवलपर, प्राइम लोकेशन ऑफ वाकड़ एंड साथ ही बिफोर डिसम्बर 2024 पोजिशन होना चाहिए, तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप डेफिनेटली चेकआउट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही आप आपके चैनल हॉल रूम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पर दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।